तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। तो एरे फॉर्मूला की हमने पहली क्लास ली थी, चलिए एरे फॉर्मूला में आगे और बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एरे फॉर्मूले का यूज होता है कई सारे कैलकुलेशन को एक सेल पे करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ पर्सन के नेम है और यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, ओके। अब जैसे कि पर्सन की सेल जो है वो रिपीटेड है, तो मुझे क्या करना है कि इसमें से कई सारी चीज निकालनी है। पहले चीज, अगर आप याद होगा हमने वीलुकअप पढ़ाया था, तो वीलुकअप में आपने देखा था कि हमने इसमें क्या किया था कि वीलुकअप लगाए थे, तो वीलुकअप लिस्टिंग बताया था जिसमें अगर रिपीटेड टाइम आपकी वैल्यू है तो आप एक एक सेल में ऐसे नीचे ऊपर नीचे आ जाता है। लेकिन मुझे यहाँ यहीं पे कॉमा के साथ सेपरेट चाहिए। तो बेसिकली 2016 तक तो पॉसिबल नहीं था, बट 2019 में पॉसिबल है, क्योंकि 2019 में एक फॉर्मूला आया है, वो आया है टेक्स्ट ज्वाइन। तो टेक्स्ट ज्वाइन इसमें यूज होता है। एक सेकंड कीजिए, हेलो, टेक्स्ट ज्वाइन लेते हैं और टेक्स्ट ज्वाइन में हम यहां पे देते हैं कॉमा की सेपरेशन। क्या चाहिए हमें यहां पे? कॉमा का सेपरेशन चाहिए, ओके। और यहां पे हम क्या इसमें ब्लैंक सेल को इग्नोर करना है? करना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और फिर टेक्स्ट, तो जनरली इसमें हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे यहां पे फिल्टर टेक्स्ट चाहिए, मतलब कि सिर्फ पूजा की चाहिए। तो कंडीशंस लगाएंगे, तो यहां पे हम इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे हम इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड इक्वल टू हम यहां पे पूजा देते हैं। अब यहां पे ये हो गया हमारा। अब यहां पे हम बोलते हैं कि इक्वल टू पूजा है, तो इसकी वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो सामने वाली वैल्यू इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम यहां पे ब्लैंक कर देते हैं। तब देखेंगे कि पूरी डेटा इस तरह से यहां पे कंबाइन हो गई है, ठीक है। तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला से हमने एरे के फॉर्मेट पे दिया। अब इसी इसके जैसे और भी कुछ दे रही है, जैसे आपको याद होगा कि हमारे पास कि मुझे मिनिमम सैलरी चाहिए, माने तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ओवरऑल मिनिमम चाहिए तो उसके लिए मिनिमम का फॉर्मूला होता है, मिन का फॉर्मूला होता है जो कि मिनिमम सैलरी निकाल, मिनिमम सेल्स निकाल देगा। मैक्स का फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम सेल निकाल देगा। लेकिन मुझे यहां पे पूजा का, मुझे यहां पे पूजा का टोटल चाहिए। तो इसके लिए भी हम यहां पे मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और मैक्स के साथ हम लगाएंगे इफ का, ओके। और हम सिलेक्ट करेंगे इसको और बोलेंगे ये ए, सॉरी यहां पे नेम को माफ कीजिएगा, नेम, नेम इक्वल टू मैक्स। ऐसा हुआ तो ये हमारी जो डेटा है इसको ले ले। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आखिर ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको जाना होगा फॉर्मूला एवलेट। यहाँ फॉर्मूला एवलेट में आइए और यहाँ पे वन बाय वन बताएगा। तो इसने पहले क्या किया, जितने भी नाम है सब नाम को इसने पूजा से मैच किया, जहां जहां पूजा था वहां वहां इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। ओके, और जहां जहां ट्रू था वहां उसकी वैल्यू दे दिया। तो मैक्स को मिला 74, फॉल्स 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 फॉल्स, इस तरह से 42। तो मैक्स क्या है कि फॉल्स को इग्नोर करता है। मैक्स क्या है? फॉल्स को इग्नोर करता है, ओके, फॉल्स को इग्नोर करता है और नंबर्स को लेता है। तो इसने देखा कि सबसे हाईएस्ट नंबर 85 है, यहां पे इसने 85 को शो कर दिया। और सेम थिंग इसने यहां भी किया है।
कि जहां भी पूजा थे सारे पूजा के वैल्यू को ट्रू कर दिया, जहां जहां ट्रू था वहां उसकी वैल्यू डाल दी, बाकी जगह पे ब्लैंक डाल दिया। और टेक्स्ट ज्वाइनिंग हमने बोला था इग्नोर ब्लैंक, तो उसने ब्लैंक को इग्नोर किया, बाकी सबको कंबाइन कर दिया। ओके देखिए जो हमने यहां पे मैक्स के लिए लगाया है ऐसे हम मिन के लिए लगा सकते हैं, फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। और यहां पे मुझे क्या करना है, सिर्फ यहां पे हम इस फॉर्मूला कॉपी करते हैं, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस मैक्स की जगह आप मिन कर दीजिए। लेकिन ए 2016 था 2016 के बाद 2007 में तो 2019 में आपके पास फॉर्मूला मैक्स का आ गया, मैक्स इफ का आ गया या मैक्स इफ्स आ गया। इसमें आप मैक्स रेंज, इसकी मैक्सिमम चाहिए, इसका कंडीशन वन हमने दे दिया, कंडीशन क्या है तो पूजा है। क्लियर है? तो मैक्स इफ और मिन इफ आप लगा सकते हैं सिंपली, लेकिन 2016 तक ऐसी फॉर्मूला नहीं थी तो वहां पे आपके बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको याद होगा लास्ट फॉर्मूला बताया था, जैसे मैक्सिमम हमने लिया तो मैक्स तो हाईएस्ट दिखाता, मुझे ये पता करना है कि 2, 3, 4 ए मैक्सिमम चाहिए, कि पहले हाईएस्ट कौन सी है, दूसरी हाईएस्ट कौन सी है, तीसरी हाईएस्ट कौन सी है, ऐसे हमें यहां पे पता करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं लार्ज का, लार्ज हम सिलेक्ट करेंगे, लार्ज में अपना डेटा और हम करते हैं यहां पे पहला, तो लार्ज आता है। तो मुझे यहां पे ये क्या करना है कि जो टॉप 5 है उसका सम चाहिए, जैसे कि या टॉप 4 का सम, तो हम अलग अलग करें और फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर यहां पे आपका सम आता है। तो ये चीज हम ये लार्ज फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट यहां पे करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वल सम लार्ज, लार्ज में हमने अपना डेटा को सिलेक्ट किया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप एरे फॉर्मूले में कभी भी आप पूरी की पूरी रो को, कॉलम का रो को सिलेक्ट मत कीजिए, वरना आपका फॉर्मूला काफी स्लो हो जाएगी, एक्सेल स्लो हो जाएगी। आप उतना ही रेंज सिलेक्ट करें, या फिर एक जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि मैं 2000 तक जाएगा डेटा, तो 2000 तक सिलेक्ट करें लार्ज, और यहां कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 हमने 5 दे दिया। तो हमारा टॉप 5 को इसमें सम कर दिया। ऐसे किया, देखिए तो जैसे लार्ज चलाते ही जो हमने कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 या ये वीवीए के लूप की तरह वर्क किया, और ये हमारा लूप में इतने सारे नंबर्स दे दिए और सबने फिर इसको सम कर दिया। प्रॉब्लम आता है कि मैं यहां पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हेलो सॉरी सर कॉल आया था सर। ओके तो ये हमारा, तो आपके सामने दिख रहा है हमारा ये है, लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट कैसे करें इसको, मतलब कि इस 5 से हो, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अगर 7 कर दिया
तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 6 7 8 ये लगेगा, ये देना पड़ेगा 7 तक मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। तो हम यहां इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं कि इसी से लिंक्ड हो जाए, तो कैसे करें? तो एक तरीका है कि यहां पे एक फॉर्मूला है रो का, और रो फॉर्मूला यहां पे क्या करेगा, जैसे मैंने 1 से लेकर 7 कर दिया, ये क्या करेगा, तो जैसे एक हमने इससे पहले कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 दिखा था, यही भी देखिए 1 से लेकर 7 तक इसने टाइप कर दिया। ओके अब इसमें 7 को हम इससे लिंक करना है, तो हम जाहिर सी बात है कि कॉनकटा करें, कॉनकटा नेट करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एन परसेंट लगाते हैं, और इसमें हम इसको 7 को सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे अपना करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जो जब ये कंबाइन हुआ, तो ये कंबाइन होने के बाद क्या बन गया, ये बन गया एक रेफरेंस, सॉरी एक टेक्स्ट बन गया, लेकिन इसको चाहिए रेफरेंस। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं यहां पे इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दूंगा और एंटर मारिए, ये आपके सामने। अब मैं इसको एवलेट करता हूं, तो देखिए 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में अलग अलग हुआ, फिर सम कर दिया। तो अब यहां पे मैं चेंज करूंगा कि मैं यहां पे 6 करूं तो 6 हो जाएगा, 7 करूं तो 7 हो जाएगा, 9 करूं तो 9 हो जाएगा। समझ में आया रवि कुशवाहा जी, मनु जी एंड कुंदन जी, कोई डाउट इसमें? सर दोबारा रिपीट कर दो सर। नहीं सर, देखिए हमने सिंपल सी बात, हमने क्या किया कि हमने रो के फॉर्मूला, हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया, राइट सर, और इससे ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हमें क्या है कि एक्चुअली में कर्ली ब्रैकेट में 1 से 9 तक लिखा हुआ चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, पहले इसने कंबाइन किया, 1 से लेकर 9 तक बना दिया, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब कि ये रेंज नहीं, रेंज है, मतलब कि एक रेंज नहीं, एक टेक्स्ट है। तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा 1 से 9 के बीच में रेफरेंस फॉर्मेट में। फिर क्या होगा, ये आपका 1 से लेकर 9 तक आपका आगे, और फिर इसको एवलेट कीजिएगा, तो ये आपका देखिए पूरा रिजल्ट आपके सामने है, और सामने वापस सम कर दिया। ओके डाउट इसमें? नो सर। चलिए इस तरह से मिनिमम कर सकते हैं, इस तरह से मैक्सिमम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है? लेकिन जैसे कि मैं पहले भी समझाया था कि ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो आप लोग कम से कम 10 ऐसे एग्जांपल क्रिएट करके मुझे भेजिए एरे का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट ज्वाइन लगाया हमने, मैक्स के लिए लगाया हमने, हमने लार्ज के लिए लगाया, ऐसे मुझे 10 एग्जांपल आप लोग बना के अभी भेजिए। कल पता नहीं ऑफिस के बाद आपको टाइम रहेगा नहीं रहेगा, आप मुझे बना के अभी भेजिए, मैं उसको अभी देखूंगा। क्योंकि एरे जैसे कि मैं बताया कि कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है, कि मैंने आपको बता दिया जैसे मैंने बाकी भी बता रहा सारी चीजें बता दिया, आपको समझ में आया नहीं, ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला लगाने का तरीका है। तरीका इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी काफी है, और समझ में ना आया तो 10 एग्जांपल का 100 एग्जांपल भी कम है। सो प्लीज इसके लिए बनाइए और मुझे भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है क्या इसके सर? क्वेश्चंस हमारे पास है, लेकिन वो हम देंगे एरे कंप्लीट होने के बाद। फिलहाल आप अपनी हिसाब से देखिए, बनाइए। ओके क्योंकि थोड़ा सा